भाजपा गठबंधन में जो सीट बंटवारा में देर हो रही है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोग कह रहा है कि देर हो रहा है, कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और मालूम होगा आपको कि फर्स्ट मीटिंग करके 195 लोगों का लिस्ट निकाल लिया था और सेकंड बैठक जो इलेक्शन कमेटी है भाजपा की आज हो रही है, तो आज होगी, जिसमें बिहार भी शामिल है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होगी वो करीब 13 के बाद 14 को, तो 14 के पहले सारा काम हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है? अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है, ये भाजपा NDA को है कि सभी सीट पर लड़ना है, और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टोह किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीतें कि 400 सीट कम से कम भारत में लावें और बिहार में 400 सीट लावें। तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है, और चुनाव लड़ना है हमको या NDA को, तो हमको न समझ में है कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा, जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। इसमें दूसरे को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर संभाले। लालू यादव पर कब्जा करने का उन्होंने जो लगाया है आरोप, वो सही लगाया है। जीतन मांझी ने भी बिहार विधानसभा में कहा है कि यहाँ पर 6-7 लाख एकड़ जमीन भूमि सुधार का, जो जिसमें खास करके भूदान का, सीलिंग का, बिहार सरकार का 5-6 लाख एकड़ जमीन का उन्होंने बंटवारा किया है, और उस जमीन की जो बंटवारा हुई है उसका 70% पर जिसको बांटा है, चाहे आवास का जमीन हो चाहे खेती करने की जमीन हो, उस पर उनका कब्जा नहीं है। उनका रसीद कटा रहे हैं, परमाना लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोग या तो कब्जा कर रहे हैं और नहीं तो फिर सरकारी जो चीज़ है उसको बना रहे हैं। जैसे अभी खेल स्टेडियम का मामला चला है, अभी हमको फतेहपुर से मंझौली का केस आया है, अभी बारह में यहाँ पर बजीगंज से केस आया है, फिर हमको अभी बेला गए थे, बेला में केस चल रहा है। यानी जो प्रधान का या किसी का पर्चा मिला है उस पर दखल सरकार नहीं दिला पाई है, और उस पर को बेदखल लोग कर दिया है। एक तो सरकारी के लोग भी जगह बेदखल कर रहे हैं और दूसरा आम लोग भी कर रहे हैं। उसमें बात सही है कि राजद के लोग ज़्यादा हैं, ये हम बिहार विधानसभा के विद्रोह विधेयक के में जो बात चर्चा हो रही थी उसमें हमने कहा, इसलिए वो तो हमारी बात को दोहराए हैं। इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि बिहार में भूमि माफिया कौन है, और जो लालू जी के लोग विशेष करके हैं, इसलिए उनको उन्होंने कहा कि हम सीधा कर देंगे, तो गलत करता है। ठीक।